इन दिनों इंदौर सहित देश भर में मानसिक रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यदि हम अकेले इंदौर जिले की बात करें तो यहाँ हर तीसरा व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित पाया गया है। ये बीमारी किसी को प्रारंभिक तौर पर तो किसी को लास्ट स्टेज पर भी अपने घेरे में ले रही है। मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन हेतु पिछले 5 माह में जिले के विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में 17 दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। आमतौर पर देखा जाता है कि जब तक समस्या बड़ी न हो तब तक लोगों का ध्यान मानसिक बीमारियों पर नहीं जाता है। इससे संबंधित व्यक्ति की आदत समझकर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कुछ लोग मानसिक बीमारी को पागलपन समझ बैठते हैं। आज भी ये पता लगाना एक चुनौती है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रस्त है तो उसकी बीमारी आखिर क्या है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि इन शिविरों में 687 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 361 लोगों को कोई न कोई मानसिक बीमारी पाई गई, जिसमें सिर दर्द, नींद की समस्या, एंजाइटी, अवसाद, मूड डिसऑर्डर, मिर्गी एवं साइकोसिस प्रमुख है। इन मरीजों के निःशुल्क दवाओं के साथ साथ परामर्श भी दिया गया। अनेकों मरीजों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया, जिसमें उन्हें बीमारियों के लक्षण, कारण एवं इलाज के महत्व से अवगत कराया गया। इसके साथ ही जानकारी देने वाली प्रचार प्रसार की सामग्री का वितरण भी किया गया।